आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय एवरीवन, सो द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। सो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस nature. अब नेचुरलाइजेशन ह्यूमन ऑफ ह्यूमंस में क्या होता था, जैसा कि इसका नाम है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, इसमें जो ह्यूमंस थे वो नेचर को वर्शिप करते थे। जब प्रिमिटिव सोसाइटीज का टाइम था, जब बहुत ही पुराने समय में लोग जो भी काम करते थे वो नेचर के हिसाब से करते थे, वो नेचर को ही वर्शिप किया करते थे। पर ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में क्या आ रहा है, इसमें इसका उल्टा आ जा रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग जो है नेचर को उतना फॉलो नहीं कर रहे हैं, जबकि वो तो नेचर को मॉडिफाई कर रहे हैं धीरे धीरे। सो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में आएगा ऑफ नेचर में क्या होगा कि अभी के टाइम में जो ह्यूमंस हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, उन्हें कोई फोर्सफुली ओबे नहीं करवा रहा है कि आपको नेचर के ही रूल फॉलो करना है, उनकी अपनी मर्जी है। तो अभी के टाइम में क्या है, एक स्टेट ऑफ फ्रीडम है ह्यूमंस में। नेक्स्ट पॉइंट में है कि जब लोग प्रिमिटिव सोसाइटीज़ का टाइम था तो उस समय पे इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं हुआ करती थी, लोग जो थे अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से एडजस्ट कर लिया करते थे, तो उस हिसाब से जो था वहाँ पे जो ना लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था। बट अब ऑन द अदर हैंड अगर हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की बात करें तो इस टाइम पर क्या है, हमें पता है जैसे जैसे जो है हमारी सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हो रही है, हमारी सोसाइटीज़ डेवलपमेंट हो रही है, एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजीज में, तो हम हाईली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। सो दैट्स इट। सो ये जो प्रिमिटिव सोसाइटीज के टाइम के ह्यूमंस थे, ये लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, दे यूज अब जब प्रिमिटिव सोसाइटी का टाइम था तो उस टाइम पर क्या था, लोगों की नेसेसिटी थी नेचर को फॉलो करना। सो जिस तरह की उनके सामने सिचुएशंस आती गई वो उस तरह से नेचर को फॉलो करते गए। बट अभी का टाइम ऐसा है कि लोगों की नेसेसिटीज बदल गई हैं, अब वो कुछ भी डेवलपमेंट करते हैं तो वो अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए करते हैं, मतलब कि अपनी ईज ऑफ लिविंग के लिए वो काम करते हैं। अब जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस है तो इसमें जो है इसको टर्म किया गया है एज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसमें इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात इसलिए आती है क्योंकि इसमें नेचर को ही वर्शिप किया जाता था, इन्वायरमेंट को ही वर्शिप किया जाता था। सो यहाँ पे है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। जबकि
ऑन द अदर हैंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में क्या होगा, इसमें पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट आता है। अब पॉसिबिलिज्म में क्या होगा कि यहाँ पे जो इस टाइम के ह्यूमन बींग्स हैं वो एक पॉसिबिलिटी के लेके चले हैं कि या एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब ये लोग जो थे ये नेचर के ऊपर डिपेंड थे, ये नेचर को ही फॉलो किया करते थे। बट जो आज के लोग हैं वो नेचर को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, मतलब उन्होंने नेचर को बदल के अपनी इन्वेंशन करके पॉसिबिलिटीज कायम की है। फॉर एग्जाम्पल पॉसिबिलिटी में क्या है, ह्यूमंस ने जैसे जैसे एग्जाम्पल अब जो पुराने टाइम के लोग थे उनके पास गर्मी के लिए कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं था, बट आज के ज़माने में हमारे पास एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी है, तो हम जो है गर्मी से बचने के लिए एसी का यूज़ कर सकते हैं, कूलर का यूज़ कर सकते हैं, फैन का यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या अपनी एक पॉसिबिलिटी ढूंढ ली है, एक एक अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, तो ये कहीं ना कहीं नेचर के ऊपर हावी हो रहे हैं, जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें जो है डे बाय डे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट आता है और यहाँ आता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का। सो दैट्स इट, आई होप इट इज क्लियर टू यू, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।